हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी आज का जो ये व्लॉग है, अभी गाइस मैं एक्चुअली लास्ट नाइट श्रीनगर पहुँच गया था। तो भाई रास्ते में बड़े थक रहे थे यार, मतलब है ना, ट्रैवल करके। मैं पाजी के साथ आ रखा हूँ, मेरी पाजी के साथ। एंड इस समय मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड में। और यार मतलब सुबह उठे हैं ना, क्या बताएं, सुबह उठते ही मतलब ऐसा नज़ारा देखने को मिला है ना कि मतलब क्या बताएं यार। बाहर इतने सुंदर सुंदर बादल हो रखे हैं, मौसम एकदम ऐसा हो रखा है कि आह क्या बताएं यार, लग ही नहीं रहा कि गर्मियों का मौसम है। काफ़ी मतलब प्यारा नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया है। और मतलब मॉर्निंग इतनी अच्छी हो गई ना देख के। और यहाँ पे हमारे बैठे हैं सर भाजी। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कैसा रहा रात का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ट्रैवल करके? बढ़िया रहा है, थक गए थे ना बहुत ज़्यादा? हाँ, मैं एक्चुअली थकना भी चाह रहा था ना, मैं अच्छी नींद लेना चाह रहा था। हाँ ये भी सही है। थकता मैं तो रात को यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब लंबा ट्रैवल करके उसके बाद इतनी अच्छी नींद आई ना, इतना ज़्यादा थक गए थे, मज़ा आ गया मतलब। और मतलब तो डिनर भी तो ऐसा किया ना हमने, बिरयानी बड़ी अच्छी थी यार। उससे भी थोड़ा सा हैवी हो गया था पेट, तो नींद तो आनी लाजमी थी भैया, है ना। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो सामने, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है यार। यहाँ पे सुबह बन गई हमारी तरफ दोस्तों, वो है सामने। पहले हम अलकनंदा होटल में रुके हैं यहाँ, और ये जो आप रोड देखते हैं यहाँ से जा रही है, ये आगे रुद्र प्रयाग के लिए जाती है। और यहाँ से इस साइड से हम आए, और इस समय हम हैं एजेंसी मोहल्ला के ऊपर अलकनंदा होटल में, मेन रोड पे है जो। और सामने जो देख रहे हैं आप, वो है श्रीकोट। और यहाँ जो नदी पार है, यहाँ नदी के पार उसे बोलते चौराहा। तो दोस्तों वो सामने आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर में, वो है श्रीनगर का डैम, श्रीनगर गढ़वाल का। तो बहुत ही अच्छी जगह है यार। तो यार अभी हम चलते हैं ज़रा कहाँ नीचे सामने। हाँ यार, सामने एक ढाबा भी है, सामने यहाँ एक ढाबा है, वो सामने स्वागत ढाबा। उसको तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है अंकल जी वहाँ। अंकल जी वहाँ एक बुढ़े से, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं यार। हाँ जी, क्या कह रहे? अच्छा खाना चाहे? ओके, जग्गू में बोल दो। तो यार अभी हम चलते हैं यहाँ के जो बुढ़ा, चलो मैं कह देता हूँ। अभी हम जाएंगे कहाँ, ये हमारा वाहन तो भाई नहीं दिखाई दे रहा यार। ओहो यार दोस्तों, जग्गू एक्चुअली पता नहीं कहाँ जा रखा है यार, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। आई थिंक खाना वाना खाने जा रखा है, वो ब्रेकफास्ट करने जा रखा है। तो मुझे लग रहा है इस वीडियो में तो हम जग्गू को मिल नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा लड़का है यार, बहुत ही बढ़िया बंदा है। और पहले चलते हैं बोलना। ये देखिए दोस्तों, ये है वो स्वागत ढाबा। अंकल बहुत ही अच्छा स्लीपर का खाना बनाते हैं। अंकल ही हैं अंकल, वो चाय हो जाएगी है? चाय कब पियोगे? अभी पीनी है वो सामने होटल में। हाँ तो भेजोगे आप? वहाँ नहीं भेजोगे यार। खाना वाना हो जाएगा अभी है? खाना तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा और अंकल जी जैसे अभी खुलेगा रोजे? हम ऐसे तो नहीं हो रहा है, एक दिन बंद एक दिन खुलेगा? अच्छा ठीक है। दो चाय
एक सेकंड जरा रुकना, जरा पहले मैं पूछ लूँ। बूढ़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा हुआ है यार, बोले चाय भिजवा दोगे ऊपर? यार नहीं, वहाँ से इधर आ जाओ, बर्तन यहाँ से ले जाओ, बर्तन वापस ले आना। बढ़िया था यार काफ़ी। तो यार अभी होते हम तैयार, जाना भी है बाजी के साथ, तो क्या कहें। और बाकी एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा दिखाता हूँ यार, तो यार मैं छत पे नहीं जा पाऊँगा, जग्गू है नहीं यहाँ पे। जग्गू होता तो मैं आपको छत पे जाके ज़रा पीछे के पहाड़ भी दिखाता। एक्चुअली इस होटल के पीछे जंगल ही जंगल है। तो यार कुछ नहीं, होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा मैं आपके लिए। और हाँ यार, मैं आजकल थोड़ा खासा एडिटिंग नहीं करूँगा, बस शूट किया और अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।